और वेलकम टू चिकू ब्लॉग्स वंस अगेन इन गोवा। आज मैंने स्कूटी हायर किया है, वो भी मेरा फेवरेट कलर ब्लू। अभी को देखो, हम लोग अब राइड पे निकल रहे हैं। लाइसेंस की भी चेकिंग हुआ था अभी पहले। गोवा में स्कूटी चलाने का मजा नहीं कुछ अलग है। यहाँ पे स्कूटी हायर कर सकते हैं, बाइक भी हायर कर सकते हैं, फोर व्हीलर भी हायर कर सकते हैं। लाइसेंस होना चाहिए और एक बीच से दूसरा बीच, तीसरा बीच, एक सब बुलेट के लिए सब हायर वाले की गाड़ी है तो साइड पर नहीं आ सकती। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया है कि अगर जिन लोगों को खुद ड्राइव, काफ़ी अच्छा सिस्टम है जिन लोगों को खुद ड्राइव करने आती है वो इस चीज़ को लेकर गोवा का मजा ले सकते हैं। मैंने गॉगल्स भी पहन लिया है कि धूप ना लगे, और मैंने ये ड्यूल मोड ऑन किया है। मैं आगे चलाता भी रहूँगा तो देखने के सामने करूँ और सामने होगा। हाँ, ब्लॉग्स बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, घूमने के बीच बीच में आप बनाते रहिए। नारियल का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, और ये मेरे पास सेल्फी स्टिक रहता तो ज़्यादा अच्छा और आराम से कर लेता। काफ़ी फॉरेनर भी है यहाँ पर, है ठीक है, कोई बात नहीं। छाया आज कैमरामैन का काम कर रही है, वेरी गुड, यू आर ए गुड कैमरामैन, बट यू वांट टू लर्न मोर स्किल अबाउट कैमरा, और कैमरा सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से किधर मुड़ेंगे, लोग अंजुना बीच जा रहे हैं, बताना किधर। लेफ्ट, टेक लेफ्ट, देखो 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 देखो, हमने लेफ्ट ले लिया अंजुना बीच, बागा बीच से लोग अंजुआ या अंजुना जो भी नाम है उस बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सामने कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, सामने करना और नीचे। यस, और ये सब मार्केट देखिए, अंजुना ब्रिज से पहले जिनको शॉपिंग करनी है यहाँ कर सकते हैं। रोड भी थोड़े से खराब ही टाइप है। अंजुना बीच है, इसमें देखा नीचे सब में गोल गोल से में केकड़े भी हैं, डर लग रहा है काटे ना। देखिए ये बीच, अंजुना बीच किनारे, ये क्राउड थोड़ा कम है, दोपहर है, तूफान मार रही है, समुद्र की लहरें तूफान मार रही है। बीच घूमने के बाद सोचा कि थोड़ा कोक पी लूँ, सॉरी पेप्सी है, कोक यहाँ कम मिल रहा है, वो अपना स्लाइस पी रही हैं।
चिल आउट। देखिए देखिए देखिए, ये पार्किंग था। अब हम लोग इस बीच से किसी और बीच को निकल रहे हैं। ओके,